नमस्कार आदाब श्री अकाल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं पेन पेपर हाथ में है इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में है स्वागत करता हूं अपने सभी मित्रों का तारीख 23 जनवरी दैनिक समसामगी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिर चाहे आप यूपीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने तमाम साथियों के साथ में मैंने भी अपने साथ में इसे टेलीग्राम पर हाल ही में शेयर कर दिया है ये लीजिए देखिए आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा ठीक है चलिए दिन भर की जानकारियां मैं आपको बता दूं क्या-क्या क्लासेस रहने वाली हैं आज किस प्रकार से आप लोग क्लासेस में जुड़े रहेंगे कौन सी महत्वपूर्ण क्लासेस आज होंगी सारी बातें मैं आपके साथ में अभी कर देता हूं सबसे पहली बात रेफरल कोड से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी क्लासेस में फिर चाहे वो स्पेशल क्लासेस हो तो वो फ्री में उपलब्ध होती हैं टेस्ट सीरीज हो तो फ्री में उपलब्ध होती हैं इस रेफरल कोड से और साथ में अगर पेड बैचेज आप यूज कर रहे हैं तो उसमें दस प्रतिशत का डिस्काउंट इसकी वजह से प्राप्त होता है पहली बात दूसरी बात कल हम लोगों ने एक सेशन किया था इस चैनल पर चैनल का नाम याद रख लीजिएगा यूट्यूब चैनल है चैनल का नाम यूपीएससी है इस चैनल पर हम लोगों ने कल एक सेशन किया था यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवश्यक किताबें कौन सी हैं तो हम लोगों ने यहां पर बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण किताबों को डिस्कस किया था अगर आप लोगों ने अभी तक यह सेशन नहीं देखा है तो जरूर देखें क्योंकि यह आप लोगों की तैयारी में निश्चित ही लाभदायक होगी पहली बात तो यह समझ लीजिएगा दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों जो बिडेन ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं वो कौन से निर्णय हैं जिसकी वजह से आप लोगों को जानना जरूरी होगा क्या किया है जॉय बिडेन ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के उन डिसीजंस के साथ में जरूर चर्चा की जाएगी आज के इस सेशन में जो कि सुबह सवा आठ बजे आयोजित किया जाएगा क्या पेरिस क्लाइमेट डील पर कोई निर्णय लिया गया है क्या मेक्सिको की दीवार पर कोई निर्णय लिया गया है क्या डब्ल्यू पर कोई निर्णय लिया गया है और अगर हां तो फिर अमेरिका का यह बदला हुआ रवैया दुनिया के लिए किस प्रकार से है क्यों बदल दिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुए फैसले आज सुबह सवा आठ बजे के सेशन में आप लोग जानेंगे क्लियर है साढ़े आठ बजे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज रखी जाती है अन अकेडमी पर जिसमें प्रथम तीन विजेताओं को तीन हजार दो हजार और एक हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाता है यह टेस्ट सीरीज अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होता है गूगल प्ले स्टोर से गोल में यूपीएससी गोल सेलेक्ट करना होता है टेस्ट सीरीज में जाकर के आपको यह टेस्ट राइस टू पॉइंट जीरो के नाम से दिखाई दे जाता है राइस टू पॉइंट जीरो सुबह साढ़े आठ बजे लाइव अगर आप देते हैं तो ही इस तीन विनर के अंदर अपना नाम पाते हैं पर पेपर तो आप दिन भर में कभी भी दे सकते हैं लेकिन जो आपको टॉप होने का मौका मिलता है वो सुबह साढ़े आठ बजे ही प्राप्त होता है क्लियर है आइए साथियों शुरू करते हैं आज की पहली खबर जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हां कल के लिए भी जरूरी सूचनाएं मुझे देनी है मैं आपको पहले ही दे देता हूं इस क्वेश्चन से पहले ही दे देता हूं और आज दिन भर के लिए भी जरूरी सूचनाएं दे देता हूं आज शाम को पांच बजे स्पेशल क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर नोट कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा 5 पी पर मैं यहां पर बोल ही देता हूं लिख ही देता हूं कारण यह है कि बहुत सारे बच्चों के डिमांड पर मैं आपके लिए यह क्लास लेकर के आ रहा हूं और वो है हाउ टू चूज ऑप्शनल बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट किया जाए इसको लेकर के शाम को पांच बजे आप लोगों के साथ चर्चा की जाएगी तो यह तैयार रखिएगा ठीक है ना ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें यूपीएससी मेंस के लिए यह पांच बजे है इवनिंग फाइव पीएम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है इसे जरूर देखिएगा अगर आपका दिमाग यूपीएससी की तरफ चल रहा है दूसरी बात आप लोग नोट्स कैसे बनाएं ये 4 पीएम पर क्योंकि यह भी बहुत सारे विद्यार्थियों की लंबे समय से डिमांड रही है कि सर हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नोट्स कैसे बनाएं फिर चाहे वो आपकी क्लास के हों या किसी न्यूजपेपर के हो या फिर कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो कोई बुक हो, उससे नोट्स कैसे बनाए तो ये दो स्ट्रेटेजिक संवाद यहां होने हैं ऐसे ही कल सुबह सात बजे आप लोगों का रिवीजन क्लास होना है अन अकेडमी पर सात दिन के करंट अफेयर का जो हमने छह दिन का करंट अफेयर पढ़ा है ना इसका सात बजे तो रिवीजन क्लास है और आठ बजे एक मोटिवेशनल सेशन जो कि विद्यार्थियों के साथ में लंबे समय से संवाद नहीं हुआ है कल मैंने छोटे छोटे बहुत वीडियोस भी डाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही एक लाइन डिमांड कर रहे थे कि सर आपसे बातचीत नहीं हो पाई है काफी लंबे समय से आपसे हमने अपनी परेशानियां साझा नहीं की है इसलिए कल सुबह आठ बजे एक हमने मोटिवेशनल संवाद भी रखा है सबका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहेगा टेलीग्राम के माध्यम से भी और आप लोग अगर अनअकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर हैं तो मुझे अंकित अवस्थी नाम से सर्च कर लीजिए सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी ये बहुत सारी जानकारियां होती हैं इन्हें आप नोट करके रखा करें ताकि आप अकॉर्डिंगली शेड्यूल सेट कर सकें चलिए साथियों पहले सवाल पर बढ़ते हैं पहला सवाल है गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को सर्च इंजन वापसी की धमकी दी है गूगल ने कहा है ऑस्ट्रेलिया से कि सुनो भाई ज्यादा चिल्पाओं मचाओगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे अब क्या है यह कहानी चर्चा करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है दूसरा मिस्र ने हाल ही में कतर के साथ में अपने डिप्लोमेटिक संबंध बहाल कर दिए हैं यानी वापस से सही कर लिए हैं क्यों कर लिए हैं भाई क्या ऐसा हो गया चर्चा करेंगे नंबर तीसरा है मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार ने हाल ही में रेटल पावर परियोजना जो है 850 मेगावाट की उसके लिए फंड देने की अनुमति दे दी है कहा है साठ महीने में बना के तैयार भी कर देंगे पाकिस्तान इसके ऊपर खूब राग अलाप रहा है लेकिन हम लोग नहीं सुन रहे हैं चर्चा करेंगे क्या है सरकार ने जिस मानसून सत्र में क्वेश्चन आवर को खत्म किया था यानी कि मतलब कोरोना के चलते दोषी पाए जाने वाले लोगों के ऊपर सोमवार को राजभवन निर्णय लेने वाला है उन्हें छोड़ना है उनकी सजा माफ करनी है क्या कुछ होगा बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल है राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में बहुत डिटेल में आपसे कवर किया जाएगा फिक्स इंटरनेट टेस्टिंग में थाईलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है यानी कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो थाईलैंड में सबसे अच्छी है मोबाइल में कतर की सबसे अच्छी निकल करके आई है हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव अपनी पारंपरिक वेशभूषा रीजा के कारण चर्चा में रहे नंबर नेक्स्ट हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में हॉक विमान से एस ए ए डब्ल्यू स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया कर्नाटक के शिवमोगा में डायनामाइट के विस्फोट से आठ लोग मर गए हैं जैसे कल सीरम इंस्टीट्यूट में दुर्घटना हुई थी ऐसे ही यहां पे शिवमोगा के अंदर आठ लोगों की मृत्यु हुई है और प्रधानमंत्री ने इसके प्रति शोक व्यक्त किया है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स का सोलवा संस्करण हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया दुनिया के अंदर आने वाली रिस्क से लोगों को अवगत कराया गया कि कौन कौन सी रिस्क है जो बहुत ज्यादा इंसान को परेशान कर सकती है क्लियर है आइए इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन शुरू करते हैं Sometimes we are tested not to show our weaknesses but to discover our strengths. मेरे प्यारे साथियों आज का मोटिवेशन है बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में बहुत सारे परीक्षाएं परीक्षाएं आप वो नहीं होता जो कलम से लेकर के करते हैं या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठ करके देते हैं जीवन भी अपने आप में एक चुनौतियों भरी परीक्षा ही है इस परीक्षा में हमको हर दिन गुजरना होता है इंसान को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम जब से पैदा हुआ है हमारी पूर्वजों ने भी यही नियम पास किया है

जल्दी से शुरू कर दीजिए सेशन को पता करते हैं क्या कुछ है साथियों अभी हाल ही में एक जबरदस्त इशू हुआ है क्या इशू हुआ है मैं आपको बताता हूं साथियों आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का नाम तो खूब सुना है और गूगल का नाम भी खूब सुना है दोनों परिचित तो हैं लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बारे में भी मैंने आप लोगों को आज से चार महीने पहले बताया था इन दोनों के बीच ना एक विशेष रूप की लड़ाई चल रही है किस किस में गूगल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में और क्या लड़ाई चल रही है पूरा विस्तार पूर्वक बताता हूं लड़ाई क्या चल रही है वो तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने गूगल से कहा है कि तुम्हें अगर ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो यहां पर पैसे चुकाने होंगे पैसे चुकाने होंगे तो बोले अच्छी बात है ना टैक्स मांग रहे हैं बोले नहीं आप लोगों को पैसे चुकाने होंगे न्यूज मीडिया हाउसेस को किसको न्यूज मीडिया हाउसेस को तो पैसे चुकाने होंगे फिर गूगल ने कहा बोले सर सुनिए ऐसी बात है अगर आप हमारे को पैसा चुकाने के लिए पाबंद करेंगे कंपलसरी कर देंगे तो हम गूगल या गूगल वाले हैं आपके ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर चले जाएंगे तो भैया यहां पर गूगल ने जो है वो धमकी टिका दी क्या कहते हुए कि हम ऑस्ट्रेलिया छोड़कर के चले जाएंगे अब ये दोनों ही बातें मेरे प्यारे साथियों कंटेक्सट क्या है विवाद क्या है सारी बातें सिखाऊंगा तो आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं गूगल सर्च इंजन ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर चला जाएगा ये तो है आज की न्यूज अब हम पूरी घटना सुनते हैं घटना क्या है साथियों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है आप और हम जितनी भी न्यूज कलेक्ट करते हैं मतलब मुझे आपका तो पता नहीं लेकिन मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं आपके लिए जब भी कोई सब, मतलब खबर लेकर के आता हूं तो बहुत समय लगता है मतलब ऐसे नहीं होता है कि कहीं से पड़ी हुई खबर थी उठा ली बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र पढ़ने पड़ते हैं और आपने भी बहुत बार देखा होगा कि हम यहां पर उन अखबारों का रेफरेंस भी लेते हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, 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 है।, एक है, है तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारे लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन भी इन सारी न्यूज को ऑनलाइन इजीली किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से देखा होगा आपको मालूम है जब कोरोना आया था तो कोरोना के काल में लोगों ने अखबार मंगाना बंद कर दिया था अधिकांश लोगों ने मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा कि आपने बंद किया या नहीं किया मैं इस पर भी कमिट नहीं कर रहा हूं लेकिन आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि कोरोना अखबार में भी लिपट के आता है लोगों ने इसलिए अखबार को घर में डलवाना बंद कर दिया न्यूज को डलवाना बंद कर दिया दूसरा गूगल के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी न्यूज तमाम न्यूज मीडिया हाउसेस से उपलब्ध हो जाती हैं कि अगर आप दिन भर में गूगल या रहे हैं तो भी आपको दिन भर में क्या घटना हुई सब पता चल जाती है परिणाम क्या निकला मेरे प्यारे साथियों कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका रेवेन्यू इतना घट गया मतलब ये प्रैक्टिकल है मैं मेरे कुछ जानने वालों को भी जानता हूं जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी कर दी छटनी का मतलब हुआ उन्हें जॉब से निकाल दिया क्यों निकाल दिया बोले भैया बात ऐसी है कि हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि पैसे ही नहीं है भाई तो पैसे ही नहीं है तो जॉब पे कैसे रखें क्योंकि अखबार बिक नहीं रहा है अखबार नहीं बिकेगा तो अखबारों को जो एडवर्टाइजमेंट प्राप्त होता है आपने कभी सोचा है कि जो आपका अखबार आता है वो बहुत ही कम दाम में आपको उपलब्ध हो जाता है पांच रुपए दस रुपए टाइप से इतना बड़ा न्यूज़पेपर जिसमें इतने सारे लोगों के मेहनत लगी हुई है इतना सारा कागज उसमें लगा हुआ है वो आपको बहुत ही कम दामों में उपलब्ध हो जाता है असल में पता है वो दाम आपसे वसूले ही नहीं जा रहे हैं वो तो केवल एक सिंसियरिटी है ताकि उस अखबार की आप थोड़ी इज्जत कर लें असल में उस अखबार का जो दाम निकल के आता है वो उस पर आए हुए विज्ञापन से निकल के आता है जो विज्ञापन आप देखते हैं भर भर के हर पेज के ऊपर असल में वो विज्ञापन ही है जो अखबार की मुख्य आमदनी है लेकिन जब कोरोना रहा तो धंधे बंद रहे यानी बिजनेसेस बंद रहे ऐसी स्थिति में यह हुआ कि लोगों ने विज्ञापन नहीं दिया एक तरफ से तो विज्ञापन आना बंद हुआ और दूसरी तरफ से भाई विज्ञापन किस चीज का दे जब कोई ऑफिस खुली नहीं रहा जब कोई कोचिंग खुली नहीं रही तो किस बात का दे ऐसी स्थिति में ना तो विज्ञापन इधर से आए और ना ही लोगों ने अखबार मंगाया तो अखबारों की हालत सारी दुनिया में खराब हो गई खराब इतनी हुई और रही सही कसर पूरी कर दी गूगल ने गूगल और फेसबुक क्या कर दिए कि जो खबरें थी वो ये प्रकाशित करने लग गए यानी पत्रकारों की न्यूज थी प्रकाशित ये कर रहे थे ऑनलाइन सब लोग बढ़िया से पढ़ रहे थे तो रहा सहा कसर इस प्रकार का पूरा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी पत्रकार थे या फिर न्यूज मीडिया हाउसेस थे उन सब ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि देखो भाई ऐसे तो हम सरवाइव कर नहीं पाएंगे फिर तो गूगल को रख लो और आप लोग सस्ता में रह लो आप ही लोग कहते हो कि दुनिया में चार प्रमुख पिलर्स होते हैं शासन को चलाने के फोर्थ पिलर कहा जाता है न्यूज पेपर को या न्यूज मीडिया को प्रमुख पिलर्स में आप कहते हैं कि लेजिस्लेटिव होना चाहिए एग्जीक्यूटिव होना चाहिए जुडिशरी होना चाहिए लेकिन मीडिया पूरे लोकतंत्र का चौथा पिलर चौथा स्तंभ कहलाता है तो ऐसी स्थिति में मीडिया सरवाइव ही नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे हमारे लिए कुछ एक्शन लीजिए तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सितंबर 2020 में इस लॉकडाउन से जूझ रहे न्यूज़ मीडिया हाउसेस को एक आश्वासन दिया और आश्वासन यह दिया कि जिन भी लोकल मतलब जिन भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स पर या जिन भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपका अखबार जाता है या आपकी न्यूज प्रकाशित होती है उन सभी प्लेटफॉर्म से हम आपको पैसे दिलवाएंगे अभी न्यूज सारी मुफ्त में पढ़ी जा रही हैं लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों भविष्य में हाथ जुलाई में पढ़ाया था ना शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो बोले हम सभी क्या करेंगे कि आप लोगों को

अपनी वहां की संसद में क्या लाने का प्रस्ताव किया कि भाई जितने भी न्यूज मीडिया हाउसेज हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर उनका अखबार पढ़ा जा रहा है तो गूगल भले ही गूगल पैसे वसूले ना वसूले हमें मतलब नहीं है लेकिन गूगल उन अखबारों को उन समाचार एजेंसीज को अपनी तरफ से पेमेंट करेगा ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने कहा यह बिल आने वाला है अब ये जो बिल आने वाला है ये इसी वीक में आ जाएगा चलिए कोई बात नहीं इसका मतलब गूगल को ये लग गया कि यार ये तो एक प्रकार से बिल आने वाली ही बात हो गई पहले तो हमें लगा कि कोई चुनावी वादा होगा लेकिन अब तो ये बिल लाने की स्थिति में ही आ गए तो इस परिस्थिति से गूगल ने निपटने के लिए क्या किया अब मैं आपको वो बताता हूं गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को सीधी सीधी चैलेंज कर दिया है चुनौती दे दी है और ये कह दिया है ऑस्ट्रेलिया से कि सुनो भैया अगर ज्यादा चिल्प मचाओगे हम आपका देश छोड़ के चले जाएंगे अब आपको यह बात समझनी होगी कि यार देश छोड़ के चले जाएंगे गूगल के देश छोड़ने का मतलब क्या हुआ गूगल के देश छोड़ने का मतलब यह हुआ कि ऑस्ट्रेलियंस को अपने मोबाइल में गूगल सर्च इंजन नहीं दिखाई देगा यूट्यूब नहीं दिखाई देगा इसके अलावा जी मेल ये तमाम सुविधाएं मिस हो जाएंगी इस बात को जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पता चला लोग दो तरह के विरोध में उतर के आ गए एक तो इस विरोध में उतर के आ गए कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऐसा कर रही है तो हमें अपनी सुविधाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है दूसरी तरफ इसके विरोध में भी उतर के आ गए कि गूगल ने तो पूरी तरह से किसी देश को चलाने का निर्णय ले लिया है आप दो मुद्दों को समझिएगा अगर कोई कंपनी आपसे इस प्रकार की बदतमीजी कर रही है असल में यह है क्या आप नोटिस करिए ना गूगल ने सरेआम धमकी दे दी सरेआम क्या धमकी दे दी कि या तो भैया हमें साथ में रख लो नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे तो एक प्रकार का तो यह अर्थ हो गया कि अब सरकार का कोई निर्णय हो ही नहीं सकता सरकार के ऊपर बिल लाने की जो बाध्यता है यह बाध्यता तो भैया अब एक प्रकार से गूगल के कंपैरिजन में चलने वाली है गूगल ने कह दिया बिल लाओगे तो लाओगे नहीं लाओगे तो नहीं लाओगे साथियों आप लोगों के दिमाग में एक बहुत अच्छे से जानकारी सेट हो जानी चाहिए कि इस समय पूरी दुनिया है पूरी दुनिया में जो प्राइवेट कंपनी है वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है इसे ही आप मतलब क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं पूंजीवाद का यह विकृत रूप है जिसमें पूंजीवादी अर्थ व्यवस्थाएं या पूंजीवादी ताकतें इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि वो सरकारों के निर्णय तक को बदल देती हैं याद करिए पहले पूंजीवाद हुआ करता था जिसने पूंजीवाद का मतलब क्या होता है जिसके पास सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाता था फिर वही पूंजीवाद था जो आगे चल के उपनिवेशवाद में बदला जिसके अंतर्गत लोगों को अपना गुलाम बनाया जाता था कंपनियां जाकर के किसी देश को अपना गुलाम बना लेती थी लेकिन अब मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने हमें अपना उपनिवेश बना लिया लेकिन अब जिस तरह का सम, मतलब वो आ रहा है पूंजीवाद आ रहा है वो ऐसा है कि कंपनी भले ही कहीं बैठी हुई है लेकिन राज वो आपके ऊपर कर रही है आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रलोभन या प्रताड़ना नहीं दी जा रही है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप उसके मात्र एक पपेट हैं ऐसा ही ट्विटर ने किया अमेरिका में रहते हुए जब अमेरिका की कंपनी है ट्विटर ने किया अमेरिका ने और फेसबुक और गूगल ने किया ऑस्ट्रेलिया में ये दो बातें आपको स्पष्ट रूप से दिख जानी चाहिए अर्थात जब कोई प्राइवेट कंपनी अब जैसे यहां पर हमारे देश में भी बहुत सारे उदाहरण इस चीज में लिए जाते हैं लोग जियो के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि जियो आने वाले समय में व्हाट्सएप फेसबुक के साथ मिलकर के इसी प्रकार का एक मार्केट बना लेगा ये पूंजीवाद का विकृत रूप है अगर सरकारें जो कि जनता के द्वारा चुनके आई हैं और वो जनता के लिए अपने समाज में रहे रहे लोगों के लिए कोई निर्णय ना ले पाए तो यह एक चुनौती का विषय होगा क्लियर है उम्मीद है सभी साथियों को यह इशू अच्छे से समझ में आ गया होगा गूगल और फेसबुक की बातें समझ में आ गई होंगी अब मैं आपको कुछ तथ्यात्मक बातें बताता हूं यह स्कॉट वॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री साथियों पूरा एक तथ्य मैं आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूं जरा इसे देखें आप यह मैंने बीबीसी से उठाया है बीबीसी के अकॉर्डिंग यह कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका रेवेन्यू लगातार जब से गूगल का प्रभाव बढ़ा है तब से घटता जा रहा है यानी कि वो जो आमदनी कर पाते थे वो लगातार घटता जा रहा है 2018 तक वहीं गूगल का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है तो समाचार पत्रों का रेवेन्यू घट रहा है और गूगल का बढ़ रहा है इससे अपने आप में ये प्रूव होता है कि गूगल जो है वो अपने आप में मार्केट को कैप्चर कर रहा है अब साहब गूगल ने एक चालाकी चली और क्या चालाकी चली भाई साहब गूगल ने एक ओपन लेटर लिखा ऑस्ट्रेलियंस के लिए ऑस्ट्रेलियंस को एक प्रकार से भड़काया उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया क्या कहा इधर देखिए वी नीड टू लेट यू नो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं अगर आप लोग देख पाए तो जरूर इसे नोटिस करिएगा ये देखिएगा साथियों लिखा हुआ है हमें आवश्यकता आ पड़ी है कि हम आपको बताएं कि न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन दैट विल हर्ट उ ऑस्ट्रेलियन यूज गूगल सर्च एंड यूट्यूब मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के नए रेगुलेशन हैं उससे ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं, वो यूट्यूब और गूगल सर्च इंजन का उपयोग नहीं कर पाएंगे ऐसा एक ओपन लेटर ऑस्ट्रेलियंस के लिए ओपन लेटर का मतलब होता है खुला पत्र लिख दिया है गूगल ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को यह खुला पत्र नहीं असल में दी गई एक धमकी है लोगों का कहना है कि जब सर्च इंजन ही चला जाएगा तो फिर जीमेल भी रहकर क्या करेगा जीमेल भी जाएगा क्योंकि वो तो गूगल का ही प्रोडक्ट है फिर तो फिर गूगल का जो बना हुआ मैप है वो भी जाएगा लेकिन स्कॉट मॉरिसन ने क्या कहा है अब वो भी आप लोगों को जान लेना चाहिए सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं अगर आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं आपकी जगह कोई और आएगा कोई नई कंपनी इस वैक्यूम को भरेगी लेकिन आपके प्रलोभन में हम दब जाएं ऐसा नहीं होगा यह एक जबरदस्त कदम है अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया को यहां से सीख मिलेगी और सीख हम लोगों को भी ले लेनी चाहिए कि डिपेंडेंसी जो है वो किसी विदेशी कंपनी पर स्वदेशी कंपनी पर कैसी हो वो आपको पता हो जानी चाहिए मैंने आपके सामने पूरी की पूरी बातें लिख दी हैं यूपीएससी प्रिलिम्स दो में एक सवाल पूछा गया था पूछा गया है सिडर द फॉलोइंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया नामीबिया ब्राजील चिले दू विच दी अबव ड्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास आपको मालूम होना चाहिए अर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा पास होती है पूछा गया है इनमें से कौन कौन से देश से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है तो मैप पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों ये सारी देश हैं जो कि मतलब मैप पे से पास होते हैं लेकिन मैं आप लोगों को एक बार मैप भी पढ़ाना चाहूंगा इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप और इस ऑस्ट्रेलिया के मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर डिग्रीज में सारी बातें दिखाई दे जाएंगी यह रहा 24 डिग्री शायद आपको दिख रहा हो और साढ़े तेईस डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन निकलता है मैं आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का मैप भी याद कराना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि स्केल और इंच पेपर लेकर के तोड़ा गया था मैप को बनाया गया था बहुत ही स्ट्रेट लाइंस में दिशाओं के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ बिल्कुल ऐसी ऑस्ट्रेलिया में ऊपर की तरफ नॉर्थ कह दिया गया नीचे की तरफ साउथ कह दिया गया राइट हैंड साइड पर ईस्ट ऊपर की लेफ्ट की तरफ वेस्ट इधर देखिए जहां पर वेस्ट है अगर इस मैप को देखें तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया शायद आपको दिखाई दे जाए ना दिखाई दे तो मैं दिखा देता हूं ये देखिए ये लिखा हुआ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी दिशाओं के आधार पर मैप को वर्गीकृत किया गया ठीक इसी प्रकार से आपको मैं और बताता हूं मैंने आपसे कहा ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ तो देखिए ये रहा नॉर्दर्न टेरिटरी यहां पर जो मैप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो देखिए आपके सामने ही है नर्दर्न टेरिटरी उम्मीद है आपको दिखाई दे जाएगा यानी कि मैप का ऊपरी हिस्सा वो नॉर्थ को समझा रहा है ठीक बात है इसके अलावा और क्या हुआ नीचे की तरफ होता है साउथ तो ये देखिए ये रहा सदर्न ऑस्ट्रेलिया फिर से देखिए आप लोगों को ये दिखाई दे जाएगा सदन ऑस्ट्रेलिया अगेन आपके सामने मैप के अंदर एक चीज दिखाई दे रही होगी यानी दिशाओं के आधार पर मैप का वर्गीकरण प्रॉपर तरीका से हो रखा है क्लियर हो गया चलिए तो हमने वेस्ट समझ लिया ऊपर नॉर्थ समझ लिया नीचे साउथ समझ लिया तीन तो हो गई दिशाएं बिल्कुल जैसे अपने राज्य है ना तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ऐसे यहां पर जो क्षेत्र हैं वो दिशाओं के आधार पर नाम रखे हुए हैं ठीक है ना अब चलते हैं आपके बिल्कुल ईस्टर्न पोर्शन की तरफ ईस्ट में जो नाम है वो ईस्ट के आधार पर नहीं दिया गया है तो कैसे दिया गया है इधर देखिएगा साथियों यहां पर तीन प्रोविंसेस थी कौन कौन सी बनी एक का नाम था क्वींसलैंड सबसे ऊपर की तरफ क्वींसलैंड दूसरी उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों जो यहां पर बनकर के आई उसका नाम था न्यू साउथ वेल्स ऊपर की तरफ क्वींसलैंड दूसरी बनकर के आई न्यू साउथ वेल्स और तीसरी है मेरे प्यारे साथियों विक्टोरिया क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ये कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों तीन इधर तीन इधर छह तो टेरिटरीज यहां पर हो गई एज ए राज्य अब इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों एक जगह यहां पर भी आपको दिख रही है जिसका नाम है तस्मानिया तस्मानिया और ये वाली जगह अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही स्थित क्या है तस्मानिया इस प्रकार से आपने सात बड़े बड़े क्षेत्र यहां पर देख लिए एक और प्रमुख क्षेत्र है यहां पर जो इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा है और वो है ग्रेट बैरियर रीफ क्या नाम है उसका ग्रेट बैरियर रीफ इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा पूरा मैप है इस मैप के बारे में मैं कुछ बातें और बता देता हूं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन्हें संयुक्त रूप से ओशिनिया कहा जाता है हाल ही में न्यूजीलैंड को जीलैंडिया नामक कॉन्टिनेंट का एक दर्जा माना गया था मेरे प्यारे साथियों इस ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पर गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट पर मेरे प्यारे साथियों ऑरा ईस्टर्न की तरफ सी, नीचे की तरफ तस्मान सी, नीचे की तरफ इंडियन ओशियन ये तमाम वो जगह है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होनी चाहिए उम्मीद है सभी साथियों को ये मैप पहले भी पता था और अभी भी रिवाइज हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथ में उपस्थित हैं यहां पर कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न जैसे गूगल की स्थापना किसने की थी लैरी पेज और सरगे ब्राइन ने की थी गूगल की स्थापना कब हुई थी 1998 में हुई थी गूगल का मुख्यालय कहां है गूगल की मालिकाना कंपनी कौन है तो अल्फाबेट इंक है और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं ये तमाम फैक्ट हैं जो फैक्चुअल डेटा के रूप में आपको यहां से पता होने चाहिए क्लियर है चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो भी साथी उपस्थित है एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दे अपने तमाम साथियों के साथ में सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं चलिए साथियों प्रश्न बढ़ता है अगला क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछा गया है हाल ही में मिस्र ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की मंजूरी दी है ध्यान से सुनिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल सवाल है और सवाल महत्वपूर्ण है और क्यों मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों देश का नाम है मिस्र इजिप्ट जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं इसने कहा है कि यह आने वाले टाइम में कतर के साथ में अपने संबंध सुधार लेगा अब आप पूछेंगे कि कतर के साथ संबंध खराब कब हुए थे जब ही हुए थे जब जो जी है यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसने कतर को अपने में से संबंध उसी समय खराब हुए थे जब जीसीसी ने अपने आप में से कतर को एक तरह का बायकॉट दे दिया था बायकॉट का मतलब एक प्रकार के सेंक्शन लगा दिए थे कतर के ऊपर लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हाल ही में जीसीसी की 41वीं बैठक हुई थी कुछ याद आ रहा है गल्फ कारपोरेशन काउंसिल की इकतालीसवीं बैठक हुई थी उसमें छह सदस्य हैं उम्मीद है याद होगा उन सदस्य राष्ट्रों ने हाल ही में कहा था किससे कहा था कतर से कहा था कि हम आपका गुना माफ कर रहे हैं कुछ याद आ रहा है पुराना अगर याद आ रहा हो ना आ रहा हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं मेरे प्यारे साथियों आप लोग जिस जगह की बात कर रहे हैं वो ये है एक छोटा सा देश जिसका नाम है कतर कुछ याद हो तो जीसीसी के अंदर हमने आप लोगों को क्यू बॉक्स नाम से एक शब्द पढ़ाया हुआ है याद करिएगा ये जीसीसी के सारे के सारे कंट्री हैं जिनको याद करने के लिए मैंने आप लोगों को एक सवाल पढ़ाया हुआ था और वो क्या था इधर देखिएगा क्यू बॉक्स अगर याद हो तो ये कुल छह देश थे जो मैंने आपको जीसीसी में बताए थे क्यू स्टैंड फॉर कतर U stands for UAE, B stands for Bahrain, O stands for Oman, K stands for Kuwait, S stands for Saudi अरब अगर आपको याद हो तो वर्ष 2017 में GCC के सदस्य राष्ट्रों ने मेरे प्यारे साथियों कतर को अपने आप से बाहर कर दिया था एक प्रकार से सेग्रीगेट कर दिया था यह कहते हुए कि आपके साथ हम कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे मैंने इसके पीछे का कारण भी बताया था कारण ये था कि जो कतर है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो प्रो ईरान हो गई थी ऐसा ब्लेम लगाया था सऊदी अरब ने क्यों लगाया था क्योंकि कतर का एक न्यूज पेपर था जिसका नाम था अल जजीरा वो अल जजीरा न्यूज पेपर सऊदी अरब के अंदर चल रही प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सीधी टिप्पणी किया करता था जिसके चलते कतर का जो स्टैंड था क्योंकि कतर का अखबार है सऊदी सरकार ने कतर से बहुत बार कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारे साथ जो आपके यहां का अखबार कर रहा है ये ठीक नहीं है इसे रोकिए कतर ने नहीं रोका और ये प्रूव किया सऊदी अरब ने दुनिया के सामने कि कतर जो है वो प्रो ईरान है ईरान के पक्ष में बात करता है ऐसी स्थिति में सऊदी अरब ने ईरान के पक्ष लेने के कारण कतर के साथ में अपने संबंध तोड़ दिए चूंकि जीसीसी का यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है इस कारण से जितने भी अन्य सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने भी कतर से संबंध तोड़ लिए कतर जो है उसके साथ संबंध तोड़ने वालों में सऊदी अरब के साथ में लगा हुआ यह जो इजिप्ट है जिसे आप मिस्र कहते हैं यह भी इन्हीं के साथ बोल पड़ा कि मैं भी इसके साथ संबंध तोड़ना चाहता हूं कारण क्या बताया वही कि जिस आधार पर आप लोग साथ नहीं रहना चाहते मैं आपके साथ हूं इसलिए मैं इसके साथ संबंध नहीं रखता तो यह बहुत ही कॉमन सेंस की बात थी कि जब किसी देश ने सऊदी अरब के कहने पर संबंध तोड़ लिए थे तो सऊदी अरब के जुड़ने पर वापस संबंध भी सुधार लेगा तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हुआ भी यही मेरे प्यारे साथियों सऊदी अरब के कहने पर अब इजिप्ट ने कतर के साथ संबंध बहाल कर लिए हैं लेकिन आपको लगेगा कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए तो भी कतर के साथ संबंध कैसे सुधार रहे हैं सऊदी वगैरह ये सारे देश तो इसके पीछे का कारण मुख्य कारण जो है मैं आपको वो बताना चाहूंगा असर में इसके पीछे का मुख्य कारण ये है साथियों कि जो कतर है इस कतर की जो ग्लोबल पोजिशन है वो दुनिया में आए दिन बहुत मजबूत होती जा रही है मैं आपको एक एक करके कारण बताता हूं पहला कारण क्या है कि साथियों दुनिया में जो नेचुरल गैस पास रिजर्व है वो ईरान के पास है और तीसरा जो है वो कतर के पास है चौथा टर्की के पास है और पांचवा यूएसए के पास है मेरे प्यारे साथियों कतर के पास पैसा भी है और देश की जरूरतें भी कम है ऐसी स्थिति में इसके द्वारा उस गैस का पूरे मार्केट में सस्ते दामों पर बेचा जाना और लोगों के लिए चिंता का विषय है ऐसी स्थिति में कतर की जो पर कैपिटा इनकम है ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों पर कैपिटा इनकम जो है वो दुनिया के टॉप फाइव देशों के अंदर आती है यानी कि प्रति व्यक्ति आय दुनिया के जो पांच प्रमुख देश हैं उनमें शामिल होती है कई बार तो कई आंकड़े कतर को नंबर वन ले जाके धर देते हैं कि यहां पर प्रति व्यक्ति आय दुनिया की सबसे देश कम छोटा है देश छोटा है और उसके अंदर आय बहुत अच्छी है तीसरी चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर कतर का जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों यहां पर वर्ष 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होना है दूसरी बड़ी बात हाल ही में कतर जो है वो वैसे भी ग्लोबल इंपॉर्टेंस में आ गया था क्यों आ गया था क्योंकि कतर की राजधानी दोहा के अंदर अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में यूएसए एंड अफगानिस्तान के बीच में समझौता हुआ था अफगानिस्तान के बीच में यहां पर समझौता हुआ था तालिबान के बीच में जो वार्ता हुई थी वो यहीं पर हुई थी संबंध सामान्य नहीं किए गए तो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया इससे तो संबंध रख लेगी लेकिन हमसे संबंध छोड़ देगी इस कारण से इन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और मिस्र भी इनके साथ साथ लग गया लेकिन इसके अलावा एक कारण और बना और वो क्या है मैं आपको वो बताता हूं कल परसों मैंने आपको शुरुआत में सुबह की क्लास में एक सवाल पढ़ाया था और वो था ट्यूनिशिया के बारे में अगर आपको याद हो तो ट्यूनिशिया में वापस से अरब स्प्रिंग उठ रही है ऐसा मेरे प्यारे साथियों याद है मैंने पढ़ाया था जैस्मिन रेवोल्यूशन मैंने पढ़ाया था अरब स्प्रिंग अगर कुछ याद आ रहा हो तो याद करिएगा तो मेरे प्यारे साथियों अरब स्प्रिंग और जैस्मिन रेवोल्यूशन ट्यूनीशिया के अंदर वापस से विद्रोह उठ रहा है कुछ याद आया मैंने आपको बताया था यहां पर लोग वापस सड़कों पर आ गए हैं ट्यूनीशिया वही देश है अफ्रीका का जिसमें उठा हुआ एक आंदोलन भविष्य में बढ़ते बढ़ते इजिप्ट तक पहुंच गया था और इजिप्ट की भी शासन व्यवस्था को बदल दिया था एक डर इजिप्ट को यह भी सता रहा है कि यदि हम सब यूनाइटेड नहीं रहे पैसे वाले देशों को अपने साथ नहीं रखा तो आने वाले समय में यहां से उठ रहा अरब स्प्रिंग 2.0 वर्तमान सत्ता को ना बदल दे इसके चक्कर में यह मजबूती पूरे देश यूनाइटेड होकर के दिखाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा परिवर्तन ना आ जाए जो वर्तमान सत्ता को बदल दे इसलिए यह सब यूनाइटेड होकर काम करना चाह रहे हैं यह भी एक इसका प्रभावी कारक माना गया है उम्मीद है सारी खबरें आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी की सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों ये वो खबरें हैं जिससे आपको पूरी दुनियादारी की समझ विकसित होती है अब ये आपके ऊपर है कि आप इन खबरों के मुताबिक अपने आप को पाते हैं या नहीं खबरें यही रहने वाली हैं आपको लगता होगा कि शायद आपके क्षेत्र से बाहर की हैं तो यह आपकी मर्जी है कि आप इसको देखें ना देखें लेकिन खबरें अपनी ही जगह रहने वाली हैं और परीक्षाओं में यह सवाल ऐसे ही आने वाले हैं दुनिया के अंदर यही प्रमुख चर्चाएं हैं मैं बहुत सारे रेफरेंसेस में बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिकल्स में इन सब चीजों को आपको दिखा चुका हूं बार बार प्रमाण देने की आवश्यकता अब इनके बारे में नहीं बची है इस सवाल के साथ में कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं जैसे सहयोग परिषद जैसे गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कहते हैं इसमें कुल कितने सदस्य हैं तो छह सदस्य हैं जिन्हें मैंने क्यूबॉक करके आपको याद करवाया हुआ है इसका मुख्यालय कहां है तो रियाद सऊदी अरब में है पारस की खाड़ी का कौन सा एकमात्र अरब राज्य जीसीसी का सदस्य नहीं है तो वो इराक है मिस्र की राजधानी कौन सी है तो काहिरा है कतर की राजधानी दोहा है यह तथ्य जो आपको इस सवाल से पूछे जा सकते थे मैंने यहां पर साझा कर दिए क्लियर है चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं जल्दी से अपने साथियों के साथ में इस सेशन को शेयर करते चले जाइएगा ठीक है ना हाँ जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बनने के लिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आठ मेगावाट के एक पावर प्रोजेक्ट को जो अनुमति दी गई है उसको लेकर के हुए पाकिस्तान और भारत के बीच के विवाद को लेकर के है हुआ क्या है आइए मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों एक नदी है जिसका नाम है चेनाब नदी चेनाब नदी के ऊपर ध्यान से सुनिएगा चेनाब नदी के ऊपर किश्तवाड़ नामक जिले में कहां पर किश्तवाड़ नामक जिले में जो कि कहां स्थित है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्थित है भारत सरकार ने लगभग छह हजार करोड़ चौवन सौ करोड़ रुपए की राशि अभी दो दिन पहले ही एक दिन पहले अब तो दूसरा दिन लग गया है उसमें मेरे प्यारे साथियों अनुमति दी है कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किस चीज के ऊपर किश्तवाड़ जिले में 850 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए एक डैम बनाने की अनुमति दी है जिसका नाम है रैटल डैम रैटल डैम बनाने की अनुमति दी है पैसा अनुमोदित कर दिया है लगभग 5450 करोड़ रुपए का फिगर याद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन भारत सरकार ने पैसा अनुमति दे दी है दूसरी बड़ी बात यह बनकर के तैयार हो जाएगा अगले 60 महीने में कितने समय में बनके तैयार हो जाएगा अगले 60 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जरूरी भी है जानना भी बहुत जरूरी है इधर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों जो चेनाब है उसमें साठ महीने के अंदर चेनाब के ऊपर डैम बन जाएगा जिसका नाम है रेटल डैम सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि सर अगर हम सही हैं अपनी जगह तो हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी हुई है क्या पढ़ी हुई है इंडस वाटर ट्रीटी जिसे आप लोग मतलब क्या कहते हैं यार मतलब सिंधु जल समझौता कहते हैं सिंधु जल समझौता हुआ था वर्ष 1960 में सितंबर 1960 में हुआ था जिसके 60 साल वर्ष 2020 में पूरे हो गए वर्ष 2020 में सिंधु जल समझौते के समझौता हुआ किस किस के बीच था अभी मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों यह समझौता हुआ था भारत एवं पाकिस्तान के बीच में किसके बीच बीच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और यहां पर मध्यस्थता के रूप में काम आया था वर्ल्ड बैंक कौन आया था वर्ल्ड बैंक जो है वो यहां पर मध्यस्थ के रूप में आया था क्या हुआ था सिंधु जल समझौते में हुआ यह था कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी सहायक नदियां साथियों नदिया, की की नदिया, से जेलम और चेनाब जो की एक प्रकार से अगर मैप में देखें तो दिशाओं के हिसाब से मैं दिशाओं को यूं दिखाऊं ऊपर अगेन नॉर्थ नीचे साउथ इधर ईस्ट इधर वेस्ट जो कि सिंधु के लिए वेस्टर्न साइड में स्थित हैं ने वेस्टर्न रिवर नाम दिया गया था क्या नाम दिया गया था वेस्टर्न रिवर वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी थी तो नाम दिया गया मेरे प्यारे साथियों इंडस यानी कि सिंधु इसी प्रकार से जेलम, और इसी प्रकार से चेनाब ये तीन नदियों का जो पानी है ये देने की घोषणा की गई थी ये देने की घोषणा की गई थी पाकिस्तान को शॉर्ट फॉर्म में हम इसे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके याद रख सकते हैं ये नदियां दी गई थी पाकिस्तान को कब की बात है ये मेरे प्यारे साथियों ये बात है वर्ष 1960 की इतनी बात क्लियर है साथ में यहां की तीन नदियां कौन कौन सी तीन नदियां जो बची रह गई और वो नदियां कौन सी थी मैं आपको यहां पर बता देता हूं वो तीन नदियां थी आर बी एस इनका क्या नाम है रावी व्यास और सतलज तीन रावी व्यास और सतलज ये तीन नदियां मेरे प्यारे साथियों भारत के लिए दी गई ये तीन नदियां भारत के लिए दी गई भारत को दी गई ये नदियां नदिया वेस्टर्न रिवर कहलाई थी ऐसे ही ये नदियां ईस्टर्न रिवर कहलाई कौन सी कहलाई पूर्वी नदियां कहलाई सवाल को अगर ध्यान से समझें तो अब इस वाद जगह पर वापस लौटते हैं मैंने यहां क्या लिखा हुआ है चेनाब चेनाब किसके लिए दी गई नदी थी चेनाब हिस्सा है सीजेआई का चेनाब झेलम और इंडस का हिस्सा है अर्थात यह वेस्टर्न रिवर सिस्टम का हिस्सा है वेस्टर्न रिवर सिस्टम का हिस्सा है वेस्टर्न रिवर सिस्टम को दिए गई नदी चेनाब के लिए भारत सरकार ने डैम बनाने की अनुमति दी है पहला सवाल बनता है कि क्या यह है? इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन की गई थी उसका उल्लंघन नहीं है क्या पहला सवाल यही बनता है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन नहीं कर रहा है क्या आइए चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों बात है वर्ष 2013 की जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री ने रैटल डैम के ऊपर उद्घाटन कर दिया था यानी फाउंडेशन स्टोन रख दिया था क्या कर दिया था फाउंडेशन स्टोन रख दिया था कि भाई आप लोग जो है वो यहां पर डैम बना लें लेकिन पाकिस्तान रोते हुए कहां चला गया था पाकिस्तान रोते हुए चला गया था वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक जब पाकिस्तान पहुंचा तो वर्ल्ड बैंक के पास में भारत भी पहुंचा और भारत ने कहा कि हम लोग यह जो नदी बना रहे हैं या फिर यह जो डैम बना रहे हैं यह डैम पानी रोकने के लिए नहीं बना रहे हैं तो फिर क्या है बोले हम तो रन ऑफ द रिवर डैम बना रहे हैं रन ऑफ रिवर डैम बना रहे हैं अब ये क्या होता है रन ऑफ रिवर डैम का मतलब होता है कि जो पानी है वो बहते हुए आएगा इसमें रुकेगा थोड़ी वापस चला जाएगा हम तो केवल रास्ते में उसको ऊंचाई पर ले जाके गिराएंगे फिर से सुन लीजिएगा बोले सर हम एक तरीका तो ये होता है हम पानी भर के बैठ जाएं किसी को देने ही ना दें हम तो केवल इतना कर रहे हैं कि वो नदी का पानी आएगा हम रास्ते में बैरिकेड लगाएंगे वो पानी ऊंचा उठेगा ऊंचा उठेगा तो गिरेगा गिरेगा तो हम टर्बाइन घुमा के बिजली बना लेंगे पानी बहता रहेगा और पानी पाकिस्तान जाता रहेगा इससे दिक्कत क्या है यानी टेक्निकली पूछा जाए तो पानी तो रुक ही नहीं रहा पानी तो पूरा जा रहा है बस हम तो उसको लिफ्ट कर रहे हैं पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है कि जनाब पहली बात तो यह है कि वेस्टर्न रिवर हमें मिली हुई है तो वेस्टर्न रिवर पर ये छेड़खानी क्यों कर रहे हैं नंबर एक बात और दूसरी बात अगर ये पानी को रोक करके ऊंचा उठा करके जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहे हैं तो सर हमारा सवाल यह है कि वो पानी जो होल्ड होगा वो हुआ पानी कितने समय के लिए होल्ड हो गया ये कैसे कह सकते हो हो सकता है कि ये पानी उस समय रिलीज कर दें जिस समय मानसून आ रखा हो पानी वैसे ही इंडस में बाढ़ रहती है कल को वो पानी का चाना खोल दिया इन्होंने तो पाकिस्तान वैसे ही बह जाएगा पहली बात तो सुरक्षा के रूप से उपयुक्त नहीं है और दूसरी बात जिस समय सूखा होगा जिस समय पानी नदी में होना जरूरी है उस समय पानी रोक के बैठ जाएंगे ये तो हम फिर क्या करेंगे भाई पाकिस्तान का रोना भी अपनी जगह सही है लेकिन नियमों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जल विद्युत पैदा नहीं कर सकते हमारे द्वारा जब हम लोग वर्ल्ड बैंक में पहुंचे थे पाकिस्तान जब वर्ल्ड बैंक में रोते हुए पहुंचा था तो वर्ल्ड बैंक के पास हम भी पहुंचे पाकिस्तान ने 2013 में हमारे इस कार्य का विरोध किया वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2017 में इस कार्य को करने की अनुमति दे दी वर्ल्ड बैंक ने कहा गो अहेड अर्थात वर्ल्ड बैंक ने भारत को इजाजत दे दी कि आप रेटल डैम का निर्माण कर सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग 850 मेगावाट बिजली बना सकेंगे कहां पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कहां पर बना सकेंगे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ष 2017 में अनुमति प्राप्त होने के बाद में भारत के हौसले बुलंद थे कि बेटा अब तो करेंगे हुआ भी है मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में कैबिनेट की हुई बैठक ने लगभग छह हजार करोड़ रुपए का बजट दे दिया है इस रेटल डैम को बनाने का और कहा है कि साठ महीने में डैम बना करके दे दो कितने महीने में साठ महीने में डैम बना दो ये भारत सरकार ने फंड भी दे दिया है इंटरेस्टिंगली एक बात आपको पता और होनी चाहिए और वो क्या है मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को बिजली मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी आया मजा बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी क्या है यह मास्टर स्ट्रोक कुछ समझे आप लोग मेरे प्यारे साथियों मास्टर स्ट्रोक यह है कि जब यह जब बिजली जम्मू कश्मीर को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां हुआ करती थी कभी सरकार हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की है ना क्या, क्या, क्या फारूक अब्दुल्ला की तो मेरे प्यारे साथियों उन्होंने एक रोशनी एक्ट पारित किया था अगर आपको याद हो रोशनी एक्ट के तहत भी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अनाधिकृत रूप से जमीनें इसलिए बेच दी थी कि उस पैसे से हम लोग बिजली खरीदेंगे भारत सरकार का कहना है कि सुनो बिजली पैदा भी करेंगे और फ्री भी देंगे और किसी की जमीन भी नहीं हड़पेंगे और ऐसा करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी ये अपने आप में अल्टीमेट काम होगा और यह भारत का एक मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा उम्मीद है सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे साथियों पांच करोड़ रुपए है ना फिगर के बारे में मैं थोड़ा सा अश्योर नहीं था आपको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर इसके ऊपर आप लोगों के चेनाब रिवर के ऊपर बनाने के लिए अनुमति दे दी गई है यह है महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए क्लियर हो गया यह सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह के बारे में बता चुका हूं एसएससी का एलडीसी का एग्जाम था उसमें एक सवाल पूछा गया था द रिवर विच द रिजर्व इंदिरा गांधी कैनाल हैज बिन बिल्ट इंदिरा गांधी कैनाल इन्हीं की जो सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे साथियों सतलज उसके ऊपर बना हुआ है इंदिरा गांधी कैवा कैनाल जो है वो राजस्थान के अंदर पानी का बहुत बड़ा स्रोत बनी हुई है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपके सामने एक सवाल है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पाकल दुल पल परियोजना दुल हस्ती पावर स्टेशन सलाल पावर स्टेशन सिंधु की किस सहायक नदी पर स्थित है तो चेनाब पर स्थित है बंगला और उरी बांध किस पर है तो झेलम पर है प्रसिद्ध किशन गंगा बांध किशन गंगा नदी पर है जो झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है तो नीलम नदी के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ और चेनाब नदी किन दो नदियों से मिलकर के बनी है तो चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर के बनी हुई है क्लियर है ये एडिशनल फैक्ट हो गए जो आप लोगों को पता होने चाहिए आगे बढ़ते हैं एक इंडियन पॉलिटी के अच्छे सवाल की तरफ आपको याद होगा यह सवाल भी मैंने आपको पढ़ाया था देखिए करंट का क्या होता है ना कि करंट हमेशा अपडेट होकर के आता रहता है अपडेट होता है जो पहले कोई खबर थी अब वो खबर और सुर्खियों के साथ में और उसमें कंटेंट ऐड होता चला गया और वर्तमान की नई न्यूज बन गई क्या है न्यूज आइए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार के द्वारा हाल ही में बजट आने वाला है उनतीस जनवरी दो से बजट सेशन शुरू हो रहा है फरवरी 2021 को बजट प्रस्तुत किया जाएगा उस बजट सत्र में भारत के अंदर तीन सत्र होते हैं कौन कौन से सत्र होते हैं हम लोग सत्र 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 पढ़ते हैं इनमें से एक का नाम होता है शीतकालीन शीतकालीन ग्रीष्मकालीन और मानसून को ही आप लोग बजट सत्र के नाम से जानते हैं इसके बाद में, में मेरे प्यारे साथियों ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और फिर होता है मानसून सत्र मानसून सेशन आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा जो मानसून सत्र था इसे रद्द कर दिया गया था या फिर यह समझिए कि हाल ही में शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया था यह सिक्वेंस है ग्रीन मानसून फिर यह आ गया शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया मानसून सत्र के अंदर क्वेश्चन क्वेश्चन आवर आवर को रद्द कर दिया गया था था नहीं पूछा जा सका मानसून सत्र के अंदर तो मेरे प्यारे साथियों अब जो आ रहा है वो बजट सत्र है असल में जो ग्रीष्मकालीन सत्र है इसको आप बजट सत्र के नाम से जान सकते हैं चलिए ऐसा कर देते हैं सीक्वेंस को हम थोड़ा बदल देते हैं बजट से शुरू कर देते हैं बजट मानसून और तीसरा है शीतकालीन क्लियर अब इसको ऐसे समझते हैं बजट सत्र फरवरी में आने वाला है मानसून सत्र के अंदर क्वेश्चन आवर बंद कर दिया गया था क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं था और शीतकालीन सत्र तो रद्द ही कर दिया गया था यह था ही नहीं अलाउड ही नहीं था मानसून सत्र के अंदर क्वेश्चन बंद करने के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी इस बात को लेकर के क्या बात हुई थी बात यह हुई थी कहा यह गया था कि सरकार जो है वो लोकतंत्र का गला घोट रही है लोकतंत्र का गला घोट रही है क्यों क्योंकि सवाल पूछना जो है वो तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है फिर सवाल बना कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं आंसर बना कि लोकतंत्र के अंदर सवाल तीन प्रकार के पूछे जाते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं पहला प्रश्न पूछा जाता है वो होता है तारांकित प्रश्न कौन सा प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न दूसरा होता है ए तारांकित प्रश्न दूसरा होता है अ तारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न कौन सा होता है अल्प सूचना प्रश्न न्यूज क्या है न्यूज यह है कि जिस मानसून सत्र में क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं थी बजट सत्र में जो अब आ रहा है उसमें इस अनुमति को दे दिया गया है शीतकालीन सत्र रद्द था बजट सत्र के अंदर वापस से यह अनुमति ग्रांट कर दी गई है इसके बारे में आपको आज की सुर्खियां पढ़ाई जा रही हैं सवाल बनता है कि क्वेश्चन आफर आवर जो है वो बजट सेशन में वापस आ रहा है हमारे लिए प्रश्न बनता है कि ये क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं आइए एक एक करके सारों के बारे में चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों सबसे बुनियादी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए भारत में जो प्रश्नकाल है भारत में जो प्रश्नकाल है जैसे आप क्वेश्चन आवर कहते हैं ये सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक होता है कुछ तथ्य मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा याद कर लीजिएगा सुबह 11 से लेकर 12 बजे के बीच में मेरे प्यारे साथियों प्रश्नकाल होता है और 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में मेरे प्यारे साथियों काल होता है यानी कि जीरो आवर होता है एक तथ्य जान लीजिएगा भारत के अंदर प्रश्नकाल की जो परंपरा है जब भारत का संविधान के अनुसार संसद शुरू हुई थी तब शुरुआत में केवल दो ही दिन प्रश्न पूछने की अनुमति हुआ करती थी उन्नीस तक चार दिन प्रश्न पूछने की अनुमति हुई और अड़सठ के बाद में अब तक हर दिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं 11 से लेकर 12 तारीख 11 से लेके 12 के बीच में याद रहिएगा केवल दो ही दिन ऐसे होते हैं जब प्रश्न नहीं पूछा जा सकता पहला वो तारीख याद कर लीजिएगा वो कौन से दिन होते हैं जिस दिन प्रश्न नहीं पूछा जा सकता पहला है जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हो राष्ट्रपति का भाषण यानी कि राष्ट्रपति जब आकर के भाषण देते हैं उस समय आप प्रश्न नहीं पूछ सकते और दूसरा मेरे प्यारे साथियों आप प्रश्न तब नहीं पूछ सकते जब बजट प्रस्तुत हो रहा हो जब बजट प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंट हो रहा हो उस समय आप प्रश्न नहीं पूछ सकते क्लियर है बजट सेशन के अंदर तो बजट प्रस्तुत करने के बाद की सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं जहां पर प्रश्न पूछे जा सकेंगे प्रश्न तीन प्रकार के हैं कौन कौन से हैं पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों तारांकित प्रश्न कौन सा प्रश्न है तारांकित यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन अब ये स्टार्ड क्वेश्चन की कहानी क्या है ये वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर संसद में ओरल चाहिए होता है अर्थात मौखिक रूप से चाहिए होता है एक बेसिक सवाल पूछा जाता है क्या कि कितने दिन पहले आपको अनुमति मांगनी पड़ती है प्रश्न प्रकाशित करने के लिए तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों कि पंद्रह दिन पहले आपको स्पीकर को अपने प्रश्न देने होते हैं लिखित में याद रखिएगा पंद्रह दिन पहले प्रश्न देने होते हैं और एक सौ पचास शब्द से ज्यादा प्रश्न की शब्दों की संख्या नहीं होनी चाहिए एक सौ पचास शब्द से ज्यादा प्रश्न के अंदर शब्द नहीं होने चाहिए दूसरा प्रश्न होता है अतारांकित प्रश्न अनस्टार्ड प्रश्न इस अनस्टार्ड प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों आंसर करना होता है लिखित में कितने में लिखा, लिखा जाता है लिखित में इसका आंसर करना होता है और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न तो तारांकित और अतारांकित प्रश्न जो है वो तो पंद्रह दिन पहले दिए जाते हैं और जो अल्प सूचना प्रश्न होता है वो दस दिन के पहले दिया जाता है तो पंद्रह दिन पहले तारांकित और अतारांकित दिए जाते हैं और दस दिन तक के टाइम पीरियड में अल्प सूचना प्रश्न दिया जाता है उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लियर है यह कुछ आपके सामने क्वेश्चन आवर को लेकर के यहां पर एक फैक्टुअल डेटा दिया गया है जरा इसे ध्यान से देख लीजिएगा उम्मीद है आप लोगों के काम में आ जाए क्या है आइए देखते हैं <laughs> देखिएगा मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले 11 से 12 के बीच में मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन आवर 11 से 12 के बीच में होता है पहले 12 से 1 के बीच में हुआ करता था अब उसको शून्य आवर घोषित कर दिया है क्वेश्चन आवर के अंदर 20 स्टार्ड प्रश्न पूछने की अनुमति होती है और 155 सौ पचपन पूछने की आवश्यकता होती है एक से दो के बीच में लंच होता है दो से तीन के बीच में लेज, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया शुरू होती है यह संसद की कार्यवाही के महत्वपूर्ण चरण है वर्ष 2014 के अंदर जीरो आवर जो था इसको पलट दिया गया था पहले 11 से 12 हुआ करता था अब इसको पलट करके 2014 में जो हामिद अंसारी सरकार थी हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने इस प्रक्रिया को बदलते हुए 11 से 12 क्वेश्चन आवर कर दिया और 12 से 1 के बीच में शून्य आवर कर दिया क्लियर है यह तथ्य आप लोगों को मालूम होना चाहिए यह मैंने आपको यहां पर कुछ स्टैटिक फैक्ट बताए हैं कि कितने परसेंट का टाइम दिया गया जीरो आवर जो है यह हमारे यहां कहीं पर भी डिफाइन नहीं है भारत के ही द्वारा पार्लियामेंट्री प्रक्रियाओं में इसको निर्मित किया गया है ठीक इसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन आवर और जीरो आवर में क्या अंतर होता है क्वेश्चन आवर में आप प्रश्न पूछते हैं जीरो आवर में उसका सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं तीन प्रकार के सेशन होते हैं बजट सेशन मानसून सेशन और विंटर सेशन इस बार का जो मानसून सेशन था उसमें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी विंटर सेशन को रद्द कर दिया गया था कोरोना के कारण लेकिन बजट सत्र जो आ रहा है इस सत्र के दौरान मेरे प्यारे साथियों प्रश्न पूछने की अनुमति वापस से दी जा रही है यह आपको मालूम होना चाहिए तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टार्ड प्रश्न अनस्टार्ड प्रश्न और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस प्रश्न यह मालूम होना चाहिए सवाल पूछा जा रहा है एमपीपीसीएस प्रिलिम्स से व्हाट इज जीरो आवर व्हेन द प्रपोजल ऑफ अपोजिशन आर रेज वेन मैटर ऑफ एटमोस्ट प्रायोरिटी आज रेज इंटरवेल बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन वेन ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा तो मैंने आपको बता ही दिया इंटरवेल है क्वेश्चन आवर जो मॉर्निंग वाले के अंदर चला गया और आफ्टरनून सेशन दो बजे से शुरू होगा लंच आवर एक से दो का है तो बारह से एक का जो समय है वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों वो हमने आपको बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के रूप में यहां पर शायद ये आपको ना दिखाई दे लेकिन बहुत ही सारे प्रश्न हमने आपके लिए लिए हैं उम्मीद है कि ये आपको जब कंटेंट के रूप में प्राप्त होंगे तो डेफिनेटली आपके पास में इनका उपयोग सुरक्षित रूप से हो पाएगा ठीक है ना तो ये बहुत सारे प्रश्न मैंने दिए हैं अभी शायद दिखाई ना दे रहे हो कंटेंट आपको मिलेगा तब पढ़ लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ अगला प्रश्न बना है मेरे प्यारे साथियों भारतीय पॉलिटिक्स से क्या है भारत की पॉलिटिक्स में आइए मैं बताता हूं साथियों ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या है हाल ही में राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं राजीव गांधी जी देश के छठे प्रधानमंत्री उनकी हत्या हो गई थी लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा चेन्नई में वर्ष उन्नीस में, में जब वो एक चुनावी सभा के बाद में लोगों से मिल रहे थे तो आत्मघाती हमला करवाया गया था लिट्टे के द्वारा जिसके चलते उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी राजीव गांधी जी की मौत के जो आरोपी थे आत्मघाती हमला करने वाला तो पकड़ा आ, मारा गया वहीं पर मर गया महिला थी वो लेकिन इस पूरी घटना को अंजाम देने में जिस जिसने सहयोग किया था उन्हें पकड़ लिया गया वो सात लोग थे उन सात लोगों के ऊपर वर्तमान में एक विवाद चल रहा है और वो क्या है कि वो सात लोग गिरफ्तार किए गए लेकिन बम फोड़ने वाले तो नहीं थे लेकिन बम को उपलब्ध करवाने वाले थे यानी किसी ने सेल उपलब्ध करवाया किसी ने आतंकवादियों को फैसिलिटेट किया कुछ इस प्रकार से थे उन्नीस सौ से दो हजार इक्कीस आ गया है तीस साल पूरे हो चुके हैं सामान्यतया भारत के अंदर उम्र कैद का जो सजा है वो बीस साल में पूरी हो जाती है सेशम कारावास की जो सजा है वो चौदह साल में पूरी हो जाती है अगर प्रिजनमेंट दिया गया है आजीवन कारावास टिल डेथ भी दिया जाता है ये डिपेंड करता है उस समय पर जो लोग लोग गिरफ्तार गिरफ्तार किए किए गए थे उनमें सात गए थे वर्ष 1999 के अंदर सीबीआई के द्वारा राजीव गांधी के हत्यारों को प्रस्तुत किया गया था चार्जशीट बनाकर के लोग तो गिरफ्तार पहले ही इकानवे में ही हो गए थे लेकिन उनके ऊपर जो दोष सिद्धि थी उसकी चार्जशीट सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 1999 में प्रस्तुत की गई थी और उसके चलते इनके ऊपर आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान हुआ था तीस साल हो गए अब यह मुद्दा वापस क्यों उठा है आइए मैं मैं आपको वो बताता हूं हूं हालांकि इस पूरे के के बारे में एक एक डिटेल सेशन भी करने वाला हूं। मंडे के दिन एक डिसीजन आएगा उस डिसीजन को मैं पहले से ही बता देता हूं डिसीजन आ रहा है मंडे वाले दिन जब वो डिसीजन आ जाएगा उसके बाद मैं इस पर डिटेल सेशन करूंगा फिलहाल तो आपके अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा राजीव गांधी जी के हत्यारों को छुड़ाने के लिए तमिलनाडु में बहुत बार लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए हैं अब आप पूछेंगे हत्यारों को छुड़ाने के लिए जी हाँ साथियों असल में तमिलनाडु के अंदर जो ए आई डी एम के और डीएम के जो दोनों पार्टी हैं वो दोनों ही चाहती हैं कि उन हत्यारों को अब रिहा कर दिया जाए अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है उनका कहना है कि उनका ग्राउंड जो था वो इतना बड़ा भी नहीं था कि जिंदगी भर मरने के लिए बंद कर दिया जाए तीस साल वो ऑलरेडी सजा में रह चुके हैं तमिलनाडु सरकार सरकार को लिख करके ऑलरेडी दे चुकी है कि इनको रिहा कर देना चाहिए रिहा कर देने की बात जो है ये अब सवाल बनता है कि रिहा करेगा कौन बड़ा सवाल है तो मेरे प्यारे साथियों रिहा करने को लेकर के मांग उठ रही है तो आप पूछेंगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि, कि किसी हत्यारे को रिहा कर दिया जाए तो ऑन ग्राउंड ऑफ प्रैक्टिस लोगों को रिहा किया जाता है उन्होंने जेल में किस तरह का व्यवहार किया इस आधार पर रिहा किया जाता है उनमें से एक व्यक्ति था जो मात्र 19 साल का था जिस समय पर उसने इस हत्या के इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया था तो उस 19 साल के व्यक्ति के द्वारा मेरे प्यारे साथियों एक पिटीशन दायर की गई थी और उस पिटीशन के अंदर यह कहा गया था यह कहा गया था उसका नाम था एजी परारी वालान उसने यह कहा था कि भैया मैं जब 19 साल का था तो मुझसे केवल सेल मंगवाए गए थे अब जब सेल मंगवाए गए थे तो मेरा गुना केवल सेल लाने का था मुझे नहीं पता था कि इसका क्या होगा और ऐसे ही और लोग भी इनोसेंट हैं जो जेल में हैं उन इनोसेंट लोगों ने अपने हिस्से की सजा प्राप्त कर ली है उन्हें छोड़ देना चाहिए अब छोड़ने के पीछे तर्क यह है उस बच्चे का अब वो बच्चा बच्चा नहीं रहा तीस साल के अंदर वो पचास साल का हो गया है उसका कहना है कि मैं अपने जेल में रहते हुए एमए कर चुका हूं बीए कर चुका हूं डिप्लोमा परीक्षा गोल्ड मेडल तक मैंने प्राप्त कर लिया है जेल में रहते हुए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है लेकिन मेरा जो व्यवहार है वो जेल प्रशासन ने भी कहा रखा है कि इस व्यक्ति को रिहा कर देना चाहिए ये इनोसेंट है इसने कोई भी गुना नहीं किया था ऐसी स्थिति में तमिलनाडु में उनको रिहा करने के लिए बहुत बार जवाब दबाव बनाया गया सरकार के ऊपर लोगों के द्वारा और सरकार ने भी फाइनली लिख करके गवर्नर को दे दिया कि आप इन्हें रिहा कर दीजिए मुद्दे को ध्यान से समझिएगा साथियों आपको मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान के अंदर मतलब राजीव गांधी जी छठे प्रधानमंत्री थे उन्नीस सौ तक मतलब ये प्रधानमंत्री रहे थे याद रखिएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की क्षमता प्राप्त है और आर्टिकल नंबर 161 के तहत गवर्नर को क्षमादान देने की क्षमता प्राप्त है अब आप पूछेंगे कि सर पार्डन रेमिशन रिप्राइव रिमांड कौन सी चीज इनको दी जाने वाली है मैंने कहा साथियों पहली बात तो यह है कि गवर्नर देगा या नहीं ये कैसे तय करें आइए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों असल में जो कानून व्यवस्था है वो राज्य का विषय है और कानून व्यवस्था के तहत ही राजीव गांधी जी के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया था कानून व्यवस्था चूंकि तमिलनाडु के अंदर की बिगड़ी थी तो तमिलनाडु सरकार के नियमों के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था ऐसी स्थिति में रिहा देने का जो अधिकार है रिहाई देने का जो अधिकार है वो किसके पास है गवर्नर के पास है गवर्नर की ही पावर है आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान देने की क्षमादान देने के लिए गवर्नर को बोल कौन सकता है तो आंसर है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल सकती है जिस प्रकार से आर्टिकल 74 के तहत यह कहा गया है कि गवर जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करेगा ऐसे ही आर्टिकल 163 के तहत कहा गया है कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द विच हेडेड सीएम उसकी सलाह पर कार्य करेगा ऐसी स्थिति में वर्ष 2018 में तमिलनाडु सरकार ने अपने गवर्नर को यह रिक्वेस्ट करी कि गवर्नर महोदय इन लोगों को छोड़ दिया जाए लेकिन गवर्नर ने नहीं छोड़ा यह मुद्दा वहां मद्रास हाईकोर्ट में भी गया और यह कहा गया कि क्यों नहीं गवर्नर जो है वो एक्ट एंड एडवाइज ऑफ एक्ट एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर जब यह मुद्दा गया तो हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कहा कि यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का पालन गवर्नर ने नहीं किया तो हम गवर्नर को हटा भी सकते हैं यानी उस पर एक्शन भी ले सकते हैं लेकिन तब केंद्र सरकार ने टांग लगाई केंद्र सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई और केंद्र सरकार ने कहा कि सीबीआई के द्वारा अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी रिलीज किए जाने हैं जिसके कारण गवर्नर अपने डिसीजन को होल्ड कर रहे हैं फिलहाल सीबीआई ने फिर इंटरफेयर किया फिलहाल फिल सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरफेयर किया और गवर्नर से कहा बनवारी लाल पुरोहित से कहा कि आप बताइए कि इन्हें कब रिहा कर रहे हो। तो मेरे प्यारे साथियों सेंटर की तरफ से जो तुषार मेहता हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट महोदय गवर्नर साहब तीन से चार दिन में अपना निर्णय ले लेंगे अब मैं आपको निर्णय भी बता देता हूं मंडे के दिन मेरे प्यारे साथियों निर्णय लिया जाना है हम लोग भी इंतजार करेंगे कि क्या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो वहां की जनता डिमांड कर रही है वैसा किया जाता है क्या यह कोई पॉलिटिकल स्टेंट है

उन सबको मेरे प्यारे साथियों यह सारा कंटेंट बहुत ज्यादा एनरिच लगेगा और आप लोग इस चीज को पूरी तरह से समझ के चले क्योंकि इस पर ही मैं डिटेल में सेशन भी कवर करूंगा बहुत जल्दी ही क्लियर है क्योंकि ये जैसे ही जो मंडे को डिसीजन आएगा मैं पहले ही बता दे रहा हूं कुछ डिसीजन आने वाला है ये वो घटना है जिस समय माला पहनाने वाली महिला जो थी उसका बम पट गया और वो राजीव गांधी जी निकल लिए क्लियर है चलिए साथियों तो ये बात थी तमिलनाडु की भारतीय संविधान के किस राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा एक के तहत यह कहा गया है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति एक के तहत है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान में अंतर क्या है गवर्नर कोर्ट मार्शल पर सजा नहीं सुना सकता मतलब माफी नहीं दे सकता और मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता राज्यपाल की शक्तियों को उसके कौन से हिस्से से माफ किया जाता है न्यायिक शक्ति से और राष्ट्रपति के मोहर के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है एक के तहत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के आधार पर किस देश ने फिक्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग में टॉप किया जैसे मेरा अभी जो इंटरनेट आ रहा है ना आपकी क्लास में पढ़ाते समय तो मेरे प्यारे साथियों ये इंटरनेट केबल के थ्रू आ रहा है है ना दैट इज ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड के थ्रू इस स्पीड में थाईलैंड ने टॉप किया है जरा रिकॉर्ड देखिए मेरे प्यारे साथियों आपके मोबाइल में भी आप इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हैं आप केवल गूगल पर लिखिए स्पीड टेस्ट डॉट नेट इतने में आपको बहुत सारे सजेशंस दिख जाएंगे उसमें ओकला का भी दिखेगा तमाम कंपनियों का दिखेगा तो ओकला को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट आई है दिसंबर की जिसमें कहा गया है कि कतर के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है वही कतर जिसके साथ में हाल ही में इजिप्ट ने अपने संबंध वापस से सही किए हैं कतर के अंदर क्या है इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कतर के अंदर स्पीड निकल के आ रही है और वो क्या है एमबीपीएस एक सौ अठहत्तर एमबीपीएस की स्पीड निकल करके आई है आप अपने मोबाइल में चेक करिएगा डाउनलोड अपलोड स्पीड कितनी आती है अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि आप कहां खड़े हुए हैं थाईलैंड के अंदर जो ब्रॉडबैंड आ रहा है उसकी स्पीड आई है तीन सौ आठ एमबीपीएस तो मोबाइल की इंटरनेट स्पीड कतर के अंदर नंबर वन है और थाईलैंड की जो है मेरे प्यारे साथियों यहां पर है क्लियर है ये दुनिया के प्रमुख देश है, जिनकी है भारत की जो है मेरे प्यारे साथियों सिक्सटी फाइव रैंक निकल करके आई है फिक्स ब्रॉडबैंड के इशू के अंतर्गत ठीक है ना ये चीज आप लोगों को अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए पाकिस्तान नेपाल इन सबके साथ साथ भारत जो है वो एक स्थान पर रहा किसके अंतर्गत मोबाइल के अंतर्गत एक सौ उनतीस स्थान पर भारत रहा है पाकिस्तान वगैरह जो है वो 114 और 115 पर रहे हैं कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान में मोबाइल में मिल रही इंटरनेट की स्पीड वहां पर जियो भले ही ना हो लेकिन वहां पर इंटरनेट की स्पीड इंडिया में मिल रही इंटरनेट की स्पीड से ज्यादा है यह तथ्य आप लोगों को पता होना चाहिए नेपाल में भी भारत से ज्यादा अच्छा इंटरनेट मिल रहा है यह तथ्य आप लोगों को पता होना चाहिए सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लॉक कंट्री ये आई में पूछा गया है कंबोडिया लाओस थाईलैंड वियतनाम तो मेरे प्यारे साथियों द करेक्ट आंसर इज लाओस इज द आपका लैंडलॉक कंट्री ये रहा लाओस, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है क्लियर है उम्मीद है सभी साथियों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी थाईलैंड जो है वो फिक्स इंटरनेट पर पहुंचा है ब्रॉडबैंड के मामले में भारत नंबर पर है ब्रॉडबैंड नीति भारत ने दो में जारी की थी जारी की थी सभी ब्रॉडबैंड को पहुंचाने का वादा 2022 के लिए किया हुआ है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 है हाल ही में मेरे प्यारे साथियों रीसा एक शब्द है जो चर्चा में रहा रीसा है क्या असल में मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों रीसा जो है वो त्रिपुरा के अंतर्गत एक पहने जाने वाली ड्रेस है है अब ये हैंड क्लोथ समझा जा सकता है, लेकिन ये त्रिपुरा त्रिपुरा में पहना जाता है के अंदर मेरे प्यारे साथियों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव विप्लव कुमार देव ने हाल ही में एक ड्रेस पहनी ये ड्रेस है मेरे प्यारे साथियों जिसके अंतर्गत लोगों को मोटिवेट किया गया है कि वो अपने ही क्षेत्र की चीजों को प्रसिद्ध करें अब ये जो ड्रेस पहनी इन्होंने वो एक त्योहार था जिसका नाम है कोक बोरोक। कोक बोरोक डे मनाया गया था अभी यहां पर 19 जनवरी को त्रिपुरा के अंदर ये क्या है मेरे प्यारे साथियों असल में कोक जो है वो एक भाषा है और बोरोक जो है वो बोलने वाले लोग हैं बोरोक बोले तो लोग हैं जो ये भाषा बोलते हैं लोग पीपल है जो ये भाषा बोलते हैं कोक भाषा को त्रिपुरा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था 19 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में मेरे प्यारे साथियों ये त्यौहार मनाया जाता है और उस दिन इस प्रकार की जो मतलब ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो पहनी जाती हैं तो विप्लव कुमार देव ने इस प्रकार के हैंड विवन क्रोथ को पहना था रीसा नामक ड्रेस को पहना था इस प्रॉपर कार्यक्रम के अंतर्गत क्लियर है इसलिए यह चीज बाहर जाके निकल के आई है रीसा कल्चर में है आर्ट एंड कल्चर में आप याद कर लीजिएगा अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट तो मेरे प्यारे साथियों आपके सामने परफेक्ट आंसर के साथ में हमने जानकारी दे दी है लिटरेसी वगैरह सब पॉपुलेशन के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली चीजें हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है रमेश बैस जो है आके गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लियोपोर्ड और बाइसन है अगर हम त्रिपुरा के मैप की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल पेट में घुसा हुआ है कौन त्रिपुरा ये रहा यहां से कर्क रेखा क्रॉस होती है यह तथ्य याद कर लीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों में त्रिपुरा के राज्यपाल के बारे में राजधानी के बारे में राज्यपाल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है इक्कीस जनवरी को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सबसे बड़ी नदी यहां की गोमती नदी है क्लियर है आगे बढ़ते हैं भारत सरकार ने 100 परियोजना को किसके साथ मंजूरी दी है तो मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार के द्वारा ये देखिए आपको दो चीजें यहां पर दिखाई दे रही होंगी एक है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को एयरफोर्स और एक है नेवी इन दोनों के साथ में मेरे प्यारे साथियों इसको अनुमति दी गई है यह सौ परियोजना असल में है क्या तो यह एयरफोर्स और नेवी के लिए डीआरडीओ के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा उड़ीसा कोस्ट पर विकसित किया गया है ठीक है ना तो यह एक परियोजना है जिसके तहत यह कार्य किया जाएगा इंडिजीनिय डिवाइस डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही ये सारे के सारे एंटी एयरफील्ड वेपन हैं जिन्हें डीआरडीओ विकसित कर रहा है आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ हाल ही में जेलिग्नाइट खबरों में था मुख्य रूप से जेलिग्नाइट का उपयोग किसमें किया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों ब्लास्टिंग के अंदर अगर आपको याद हो तो हाल ही में एक दुर्घटना हुई है जिस दुर्घटना के अंदर कुछ लोग डायनामाइट का उपयोग करने से मर गए जिसके लिए यहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कंडोलेंस मैसेज भी ड्राइव किया गया था शिमोगा के अंदर एक घटना हुई जहां पर पत्थर फोड़ने के लिए काम में ली जा रही सिक्स लेबर्स जो थे वो एक ट्रक के अंदर सामान ले जा रहे थे एक्सप्लोजिव मैटर था कर्नाटका के अंदर और वो जो जिलेटिन था उस पदार्थ का उपयोग पत्थर फोड़ने में किया जाता है इसे जेलिग्नाइट भी कहा जाता है कई बार आप लोगों ने अपने क्षेत्र में खान देखी हो पत्थर की खान देखी हो तो वहां पर धूमधड़ाम की आवाज आती है पता नहीं आप कभी माइंस वाले एरिया में रहे हैं या नहीं रहे हैं वहां पर जिलेटिन रोड लगा करके माइन्स को फोड़ा जाता है तो डायनेमाइट जिलेटिन और गैलेग्नाइट ये सारे वो विस्फोटक हैं ब्लास्टिंग एजेंट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है ताकि उस माइन्स को तोड़ा जा सके और तोड़कर वहां से निकलने वाले पत्थरों का उपयोग फिर बेचने में किया जा सके तो ये जो कार्य है ये माइनिंग एजेंसी में किया जाता है और इसके चलते हुए कर्नाटका के अंदर हाल ही में आठ से अधिक लोगों की मौत हो गई है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा भी अपनी तरफ से कंडोलेंस मैसेज साझा किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं यहां पर आप लोगों के सामने कर्नाटका से जो आपके सामने लिखित में उपलब्ध करवा दिए गए हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी की गई है दुनिया के अंदर कौन कौन से जोखिम हैं इसके बारे में इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी है दुनिया के पांच प्रमुख जोखिम जो बताए गए हैं उनमें से है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्लाइमेट एक्शन फेलियर ह्यूमन मेड डैमेज, इनफेक्शियस डिजीज और बायोडाइवर्सिटी ये पांच प्रमुख वो बताए गए हैं और किसने बताए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है दावोस में दावोस कहाँ है स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी ग्लोबल समिट चल रही है वर्चुअली और मई के अंदर सिंगापुर के अंदर इनकी बैठक होने वाली है दुनिया के अंदर कुल जो टॉप ग्लोबल रिस्क हैं उनमें सबसे नंबर वन पर एक्सट्रीम वेदर को रखा है यानी कि मौसम की जो खराबी है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ी रिस्क है नंबर दो पर क्लाइमेट का फेल होना है क्लाइमेट के प्रति एक्शन लेना जो है वो फेल होना है तीसरा ह्यूमन एनवायरमेंट डिजीज डैमेजेस है इन्फिस डिजीज है और बायोडाइवर्सिटी लॉस है ये प्रमुख जो है मेरे प्यारे साथियों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने द्वारा टॉप की गई चीजों में बताई हैं विश्व आर्थिक मंच से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई 1971 में इसका आर्थिक मंच का शॉर्ट फॉर्म क्या है यह बता दिया मुख्यालय स्विट्जरलैंड दावोस में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और मानव पूंजी रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है मेरे प्यारे साथियों दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं ध्यान कर लीजिएगा सुबह सवा आठ बजे यूपीएससी चैनल पर आप लोगों के लिए मैं एक क्लास ले रहा हूं और उस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि हाल ही में जॉय बिडेन ने पर्यावरण पर इधर देखिए अगर आपने आपने सवाल सवाल देखा हो, तो इस सवाल को आपने देखा हो हो तो तो इस को क्लाइमेट एक्शन फेलियर क्लाइमेट एक्शन फेलियर का मतलब हुआ क्लाइमेट को सुधारने के लिए जो आपके द्वारा एक्शन लिए गए हैं उनका फेल हो जाना जैसे डोनाल्ड ट्रंप का पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाना डब्ल्यू से बाहर निकल जाना यह डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन थे उन डिसीजंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़े चैलेंज बन जाते हैं इन्हीं चैलेंजों के ऐतिहासिक फैसलों पर जॉय बिडेन ने क्या निर्णय लिए हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सुबह सवा आठ बजे यूपीएससी के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ट्रंप ने जब निर्णय लिए थे तो भी परीक्षाओं में आए थे और बाइडेन ने निर्णय लिए हैं तो भी पेपर में आएंगे इसलिए सुबह बजे बजे वाला वो सेशन देखना मत भूलिएगा दूसरा बजे एक टेस्ट है जिसमें कि प्रथम विजेता को तीन हजार दूसरे को दो हजार और तीसरे को एक हजार पुरस्कार पर मिलता है अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर है जिसकी कोई फीस नहीं है आपको अपने मोबाइल में अनअकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन केवल डाउनलोड करना होता है तीसरी बड़ी बात आज शाम को चार बजे

कल सुबह सात बजे ध्यान रखिएगा भूल मत जाइएगा करंट अफेयर का वीकली रिवीजन अन अकेडमी पर होगा सुबह सात बजे याद रखिएगा वीकली रिवीजन क्लास कल सुबह सात बजे अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें प्रॉपर टेस्ट आपका लिया जा सकेगा वो होगा और कल सुबह आठ बजे सात बजे तो वीकली रिवीजन हो गया और आठ बजे मेरे प्यारे साथियों जून का करंट अफेयर रिवाइज कराया जाएगा जो मंथली रिवीजन चल रहा है वहां से क्लियर है उम्मीद है और अगर चाहे तो मैं मोटिवेशनल सेशन भी ले सकता हूं एक काम करते हैं कल हम एक मोटिवेशनल सेशन रखते हैं आठ बजे सात बजे तो करंट अफेयर का रिवीजन और आठ बजे आप लोगों से एक आपसी पर चर्चा या परिचर्चा जिसे आप कह सकते हैं वो रखा जाएगा डन ये सारे की सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी इंपॉर्टेंट किताबों में क्या है शशि थरूर की किताब है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स दूसरी किताब है पोप फ्रांसिस की लेटेस्ट ड्रीम ये महत्वपूर्ण किताबें हैं 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा रेफरल कोड अंकित टैन याद रखिएगा अन लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में जब रेफरल कोड मांगा जाए तो आप अंकित टेन डाल करके क्लास एक्सेस करें तो आज का टाइमिंग चार से छह के बीच में बुक कर लीजिए नोट्स बनाना और ऑप्शनल चूज करना और कल का टाइम सात से नौ का बुक कर लीजिए अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर सात से आठ के बीच में तो करंट अफेयर का रिवीजन टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट है और आठ से नौ के बीच में आप सबसे एक सामान्य परिचर्चा एक मोटिवेशनल सेशन होगा ठीक है ना कल शाम को सवा सात बजे मैंने एक सेशन लिया था यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स का देख लीजिएगा यूपीएससी चैनल पर यह एक यूट्यूब चैनल है इसे आप लोग देख सकते हैं थैंक यू सो मच अभी सवा आठ बजे इस सेशन में देखने के लिए पहुंच जाइए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन है थैंक यू